हेलो एवरीवन तो मेरे चैनल टेरिस गार्डनिंग वर्क में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम मतलब मैं किस तरह से अपने कैक्टस के लिए कंपोज बनाता हूँ कंपोस्ट इन द सेंस ऑफ सॉयल मिक्सचर कैसे बनाता हूँ स्पेसिफिकली सकुलेंट्स और कैक्टस के लिए हालांकि मेरे पास सिंडर अवेलेबल नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंडर में ही लगाओ तो जो आपके पास कैक्टस या सकुलेंट है वो अच्छा ग्रो होता है और आप अगर नॉर्मल मिट्टी में थोड़ा सा सैंड या कुछ इंग्रेडिएंट्स डालो तो अच्छा ग्रो नहीं होता ऐसा नहीं है अगर मैं अपने प्रीवियस कैक्टस जिनको मैंने लगाया था उनका रिज़ल्ट शो करना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नीचे मिट्टी रेत जो राइजर्स है वो डाला है और ये इस तरह से इसकी ग्रोथ है बाकी भी हैं मेरे पास काफ़ी सारे इसमें तो फ्लावर्स भी आ रहे हैं और ये है मेरा फेवरेट सबसे द गोल्डन बैरेट कैक्टस और इन सभी की मिट्टी मैंने जैसे अभी बता रहा हूँ मैंने वैसे ही बनाई थी तो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स के नाम पे क्या है मेरे पास सैंड है मेरे पास पत्तियों का चूरा है जो पाउडर फॉर्म में मैंने बना है हालांकि फुल पाउडर फॉर्म में नहीं है इसको मैंने कूटा है मेरे पास एक खल है उससे ये राइजक्स है और ये जो मैंने दस दस रुपए की पॉट लाए हैं प्लास्टिक के वो हैं इनमें नीचे ड्रेनेज होल किए हैं मैंने जैसे कि मैं एक सैम्पल दिखाना चाहूँगा और इन ड्रेनेज होल को ढकने के लिए मैंने नीचे बॉटम लेयर पे ये पत्तियाँ डाली हैं आपको लग रहा होगा कि ये मैंने फुल भरी हैं बट जब मैं ये सारे रेती मिट्टी डालूँगा तो ये दब जाएंगे ये ज़्यादा नहीं है बस सूखे हैं इसलिए थोड़े से फूले हुए हैं तो ऐसे मेरे पास अठारह पॉट से टोटल तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉयल मिक्स बनाना तो ये है हमारी मिट्टी जिसे मैंने ढक के रखा है ताकि स्पेस सन की रेडिएशन ना पड़े हालांकि बहुत लोग मैंने देखें कि मिट्टी को धूप लगाते हैं सोलराइजेशन करते हैं उस प्रोसेस में ऐसा कहा गया है कि जो बैड वाले जो फंजाई हैं बैक्टीरिया है जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके रूट्स को नुकसान नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे जो भी बैक्टीरियाज़ हैं उनको ये अल्ट्रा वायलेट सनरेज मार देती हैं पर यह बात जानना ज़रूरी है कि बुरे वाले बैक्टीरियाज़ जो बैड बैक्टीरियाज़ के हम डिनोट करते हैं उसके साथ साथ जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं जो सॉइल में रहना ज़रूरी हैं प्लांटेशन के लिए ज़रूरी हैं प्लांटेशन इन देंस ऑफ उनके रूट्स के लिए वो बैक्टीरिया ज़रूरी हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए वो भी मर जाते हैं इसलिए मैं आ, इसमें ढक के रखता हूँ इसको मैंने सोलराइजेशन नहीं किया है और होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये है मिट्टी जिसमें मैंने बहुत सारा पानी डाल कर रखा था ताकि ये थोड़ी सी नरम रहे क्योंकि इसमें थोड़े से बड़े वाले कंकड़ जैसे ठोस मिट्टी के टुकड़े हैं जो अभी टूट रहे हैं तो मिट्टी का आपको परसेंट फिफ्टी परसेंट लेना है या फोर्टी परसेंट भी ले सकते हैं अगर आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो ये जो ईटों का चूरा होता है वो है और ये जो हमारा गोट मैन्य है वो है तो मिट्टी थोड़ी सी नरम रहे तो अच्छा होता है आपको मिक्स करने के लिए आप इसको रात में थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह के किसी आ, पॉलिथिन या बोरी के ऊपर प्लास्टिक के पॉलीथिन इसमें ऐसे रख सकते हैं आप रात भर और ढक कर रखें सुबह या शाम दो टाइम में आप कभी भी बनाएं दोपहर को आप इस तरह से मिट्टी को आ, मिक्स ना करें अदर इंग्रेडिएंट के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो इसमें हम पहले डालेंगे बहुत सारी जो पत्तियों का चूरा है ठीक हालांकि ये ज़्यादा भी हो जाए तो उतनी फिकर नहीं है क्योंकि ये फिर दब दबते जाती है टाइम के साथ साथ इसमें तो थोड़े से जो डंठल है वो निकाल देता हूँ आप इसमें ए, एक बात ध्यान रखेंगे कि कुछ भी प्लास्टिक के जो चीजें हैं जैसे कोई रस्सी हो गई प्लास्टिक की जो केन कहते हैं हम या पॉलिथीन के टुकड़े वो इसमें ना रहे इसमें आप राइजस ऑप्शनल हैं आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते थोड़ा सा ही डालें आप दो मुट्ठी मुट्टी क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पत्तियाँ डाली हुई हैं इसके बाद हम डालते हैं थोड़ी सी सैंड क्योंकि सैंड रहना ज़रूरी है पोरिसिटी के लिए हालांकि पत्तियाँ भी काम में आ सकती है आप ना भी डालो ऑप्शनल है तो सैंड थोड़ी सी पौरिस्थिति के लिए होनी ज़रूरी होती है क्योंकि मैं कैक्टस और सकुलंस लगाता हूँ तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो तो मैं और यहाँ पे सैंड डालूंगा उसके साथ साथ मेरे पास ये जो रेत है रेत इन नहीं ये ईटे हैं ईटों का मैंने ये चूरा बनाया है आपके पास अगर रेत ना हो या ऐसी पत्तियां ना हो इस तरह के जो आपके पास लाल वाले जो ईटे होती हैं उनका ये चूरा आप डाल सकते हैं ये सॉइल को जो पानी होता है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए सही होता है इसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं और पोलिसिटी मेंटेन होती है उसके बाद मैं डाल रहा हूँ ये जो गोट मैन्य है तो उनकी ये जो वेस्ट होती हैं तो मैं इनको क्रश नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे के एज इट इज़ डाल रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि समर टाइम में जब आप पानी डालते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है समर टाइम में ये जो है अगर आप पानी डालते हो इसमें ये फूल जाती हैं और इनमें मॉइस्चर कंटेंट स्टोर रहता है जो रूट्स के लिए अच्छा होता है इसलिए मैं इनको ज़्यादा क्रश नहीं किया हूँ थोड़ा सा क्रश फॉर्म में है बट ठीक है बहुत ज़्यादा में नहीं डालनी आपको इस तरह की जो आ, गोट मैन्योर या काउडंक होती है आपको बहुत लिमिटेड मात्रा में डालनी है क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे पत्तियाँ डाल चुके हैं हमने क्या क्या डाला है अभी तक सॉयल हो गई उसके बाद पत्तियाँ हो गई उसके बाद राइस हो गया रेत हो गई लाल ईटों का चूरा हो गया और ये जो गोट मैन्योर है ये हो गया अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बस इतना ही है मैंने तो बहुत ज़्यादा बताया है मिट्टी में इतना भी नहीं डाला जाता बट मैं इसके पिछले वाले जो भी मेरे पास पॉट्स थे मैंने उनकी मिट्टी ऐसे ही बनाई है अगर मिट्टी कम पड़ रही हो तो और ज़्यादा डालें अगर आपको लगता है कि रेशो वाइज ये जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो ज़्यादा और मिट्टी कम हो गई हो तो आप थोड़ी सी पड़ा सकते हैं मुझे लग रहा है कि मैंने मिट्टी थोड़ी कम डाली है मैं इसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा डाल दूंगा क्योंकि मेरे मुझे अल्ट्रा पॉट्स भरने हैं और मुझे लग नहीं रहा कि ये अल्ट्रा पॉट फिल कर पाएगी इसलिए मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगा तो अब इस मिट्टी को मैंने जो इसमें पत्तियाँ डाली हैं उसके ऊपर ये मिट्टी मैं डाल दूंगा आपको अगर आपके पास जितने भी पॉट हो छोटे हो, बड़े हो, आप इस तरह से भर दीजिए देखिए देखिए आप अंदर की पत्तियाँ कितने अच्छे से दब गई हैं टेंशन ना ले अगर मैंने इतने ज़ोर से प्रेस कर भी रहा हूँ क्योंकि है ही क्या ये पोरिसिटी अच्छे से मेंटेन है मैंने इतना दबा के भरा है और ये ऊपर रखा है तो ये जब मैं पानी डालूँगा और ये जो मिट्टी है सारी चीज़ें हैं इनमें से जो एयर है वो निकल जाएगी और ये धीरे धीरे थोड़े से सेटल डाउन हो जाएंगे ऐसे ही मैं सभी जो पॉट है मेरे पास उन सभी को ऐसे ही भर दूंगा सो फाइनली मैंने सभी गमलों में और इन सीड ट्रे में मिट्टी भर दी हैं इसका एडवांटेजेस ये हैं कि मैंने इसमें अगर 50 परसेंट मिट्टी डाली है तो बाक़ी जो चीज़ें डाली हैं उनका वेट मिट्टी से कम है और ये स्लैब पे हैं इस टेरिस पे हैं तो इसका जो बर्डन है वो टेरिस पे नहीं पड़ेगा हालांकि इतने छोटे इनका बर्डन नहीं पड़ता बट फिर भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए तो अगर मैं मिट्टी डालता उसका बर्डन ज़्यादा होता इसमें आप काउडंग डाल सकते हैं बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, क्योंकि आपने पत्तियाँ भी डाली हैं इन सारे ट्रेज़ और पॉट्स में मैं सकुलेंट्स लगाऊँगा मेरे पास काफ़ी सारे सकुलेंट्स हैं जिनको मुझे अब डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था जो हावर्थ या कैक्ट मतलब सकुलेंट है मेरे पास उसके जो ज़ेब्रा कैक्ट जेग्रा ज़ेब्रा एलोवेरा भी कहते हैं उसके वो वाला उसके साथ साथ मैंने कुछ सीड्स लाए हैं ऑनलाइन परचेस किया है वो भी यहाँ पे लगाऊंगा कैक्टस के ही और जो पब्स हैं एक्स्ट्रा मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे उन एक एक पब को एक एक इस सीट पॉट के होल्स में मैं डालूँगा ये मुझे सेकंड हैंड सीट पॉट मैंने सीट ट्रे मैंने लिए हैं ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और मुझे काफ़ी सस्ते में पड़े हैं इन सीट ट्रे में मैं 108 कैक्टस या सकुलेंट्स लगा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास नौ हैं और हर एक में बारह होल्स हैं है, उनमें लगाने के लिए और ये जो हैं ये हमारे नॉर्मल पॉट्स जो मैंने दस दस रुपए के लाए थे अट्रा जो यहाँ पे सत्रह हैं उधर एक अट्रा वाला लगा रखा है मैंने वहाँ पे मैंने एक सकुलेंट ऑलरेडी लगा है लगाया है तो ये एक सौ अस्सी प्लस ये दो सौ तो चार सौ तीन सौ अस्सी के मुझे पड़े हैं लगभग चार सौ के पेट्रोल मिला के तो ये है आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मैं किस तरह से सारे पॉट्स को भरता हूँ अपने सकोलेंट्स और कैक्टस के लिए हालाँकि इस जो कंपो मतलब जो मैंने सॉयल मिक्सिंग की है इसमें फिफ्टी परसेंट है ही सॉइल तो आप इसको किसी ऐसे आ, आपके पास कुछ वेजिटेबल आपको लगाने हो जैसे ये मैंने टोमेटो का प्लांट लगाए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर आ भी रहे हैं तो इसमें भी वैसे ही सॉइल हैं जैसे पत्तियाँ और मैंने मिट्टी का एक पिछले वीडियो में जैसे बत बताए हैं तो आप इस तरह की सॉइल वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह का मिक्सिंग नो no इशू आपका प्लांट लॉन्ग टर्म में बेहतर ग्रो करेगा और आपको एक ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोवाइड करेगा इसके अलावा मेरे पास और एक चीज़ें मैं देखना चाहूँगा इस ड्रम में मैंने काफ़ी सारा गोट मैन्यूअर पहले ही ला रखा था लगभग एक साल पहले मेरे पास हर एक चीज़ का अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल होता है इसमें काउंड काउडंक भी थोड़ा सा मिक्स है तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे पत्तियाँ डालता हूँ बस थोड़ी थोड़ी सी काउडंग और ये जो गोट मैन है वे वह भी इसमें ऐड करते रहता हूँ जैसे मेरे पास पत्तियों का स्टॉक है जो मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था अब और दो दिनों में ऐसी जो बोरियाँ हैं प्लास्टिक की पॉलीथिन प्लास्टिक की नहीं तो ये भी भर दूंगा क्योंकि वो भी जिनके पास से मैं लाता हूँ उनके पास वो बोरी लगभग भर चुकी हैं तो ये था आज का वीडियो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आप भी अपने घर में ऐसे ही सॉयल मिक्सिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर किसी को इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप अपने जो जिनको नीड है जिनको ज़रूरत है या जिनको इंटरेस्ट है सब चीज़ों में आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और कमेंट करें मेरे वीडियो में आपको कुछ अगर इसमें डाउट हो या कुछ और टिप्स चाहिए हो कुछ कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो